थैंक यू सर। परफेक्ट। रीना मैम, आपसे स्टार्ट करता हूँ। आप आरटीएल में क्या मिल पा रहा है, ऐसा क्या कुछ है जो पहले आप फील कर पा रहे हैं, बाकियों के क्या मैसेज है? एक तो पॉजिटिव एनर्जी है और एक डर खत्म हो गया है। वाओ, ओके, डर खत्म हो गया। सबसे बड़ी चीज तो वो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे बाकी सभी लोगों को जो उस मार्केट में अभी नहीं आए हैं, आना चाहते हैं? तो उन सभी के लिए ये मैसेज है कि मार्केट की स्ट्रेटेजीज को समझना जरूरी है, स्पेशली जैसे आप समझाते हैं तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं देन यू आर डेफिनेटली अ टेकर फ्रॉम द मार्केट। तो वो आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको बता के, उसको समझ के और फॉलो करना, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वाह, वो एक सबसे बड़ा टेक है। और ओके, डरने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मार्केट ऊपर और नीचे गई, क्योंकि मुझे आपसे इंट्रोड्यूस सागर ने कराया था। मैंने आज सागर को भी मैसेज डाला था, मैंने कहा 2 दिन पहले जिस तरह से थोड़ी सी करेक्शन आई थी मार्केट में, पहले वाला टाइम होता बिफोर आई ज्वाइंड यू, तो मैं घर में शायद हंगामा मचा रही होती कि अरे मार्केट नीचे हो गई, पता नहीं क्या होगा। तो दिस टाइम आई राइट, वाज काम, कोई बात नहीं, गई है ऊपर भी आ जाएगी। बहुत सो दैट बढ़िया, इज वन प्लस पॉइंट। गुड, थैंक यू। देखो मैसेज अरीना में पाई निकल के, हमारे को मतलब राइट स्किल को ले लेंगे तो हमें को हर फेसिस को हैंडल करना आना चाहिए और कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। सुनील, आपका क्या टेक अवे रहा हमारा लर्निंग को लेकर? और देखो एक चीज है, लर्निंग तो कोई कौन जर्नी है, हम कहेंगे हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं, मैं भी लर्न कर पा रहा हूँ, पर आप लोगों का ये जो प्यार है उस नई चीज को सिलेक्ट के आगे जा पा रहे हैं, तो भी आपके क्या रह पाया है और क्या मैसेज है बाकी आपके लिए? सर, आरटीएल टीम में आकर के मतलब एक कॉन्फिडेंस मिला है। पहले इतना ज्यादा मार्केट के बारे में पता भी नहीं था, बट जब से आपसे सीखा है ये करना है, ऐसे कॉन्फिडेंस करना है, माइंड सेट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, सर तब से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, बहुत कुछ सीखा है। और सर सबसे बड़ी चीज, अब यही समझ में नहीं आ रहा इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसको आगे ले या इसको बाहर निकल जाए। ये भी कई बार ओके, ये होता है, पहले हमेशा लॉस ही लॉस होता रहता था, बट अब ऐसा टाइम भी आ गया है कि अब मान लो जो भी स्टॉक्स आप रिकमेंड करते हैं या आप चार्ट के अकॉर्डिंग जैसे कहते हैं अब वो लेते हैं, भाई हम तो 5% के लिए घुसे थे, इसमें 20% कैसे आ गया, ये चीज भी रहती। तो ओके, गुड गुड काफी गुड। कुछ सर, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है सर इससे। जो लोग वी आर वेरी थैंकफुल सर, जो वी लोग आर वेरी नहीं आना, थैंकफुल टू यू सर। हाँ, जो लोग नहीं आना चाह रहे हैं आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके साइड से? सर अगर आरटीएल टीम के साथ जुड़ेंगे तो ये लगा लो कि जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत ही बदल जाएगी, ये है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गोल्डन वर्ड्स आपने दिए। मतलब लकी होंगे, उनका लक होगा कि जो इस टीम के साथ जुड़ेगा। वाह, थैंक यू सुनील, आपने दिल से। एक्चुअली हम निकल पा रहे हैं यहाँ पे, कोई हम नहीं कर पा रहे हैं, ये पुराने पुराने जो होते हैं सभी के साथ वही निकल के आ पाए। बहुत बढ़िया। हाय निया मैम, जी सर, निया जी, आशुतोष, सर आप कैमरा ओपन कर पाए तो बेटर है। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करने ले पा रहे हैं यहाँ पे आप, आशुतोष? गुड इवनिंग सर। हाँ चलो निया जी, आप शेयर करिएगा अपने बारे में, क्या लर्निंग ले पाए यहाँ पर और क्या आप मैसेज है बाकी के लिए। लर्निंग तो सर यही है कि अगर ऐसा लगा हुआ है तो कोई फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बाकी तो सीख ही चुके हैं आपसे और सीख भी रहे हैं। लर्निंग तो ये हर टाइम रहेगा हमारा, ये तो प्रोसेस है। मार्केट इतना डाउन गया अभी, रीना जी ने जैसे, आई थिंक रीना जी, मैं नाम ठीक ले रही हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं रीना जी। तो डर नहीं लगता सर। अगर हम वीकली मंथली पे काम कर रहे हैं और डेली में वो चीज, फिर डर नहीं लगता। बहुत बढ़िया। आप मैसेज क्या देने चाहते हैं जो नए लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में? पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलूंगी, मैं आ नहीं पाई 14th को। पहुंची कोई बात नहीं, थैंक्स नहीं पाई। लोग, हाँ जी, या हाँ थैंक जी सर, यू, हाँ थैंक जी यू। आप लोग का प्यार है। एक मैसेज क्या सर, देना चाहेंगे ज्वाइन जो करेंगे अभी? सीखेंगे सर, ये कि ज्वाइन करेंगे सीखेंगे तो फिर तो ये फील्ड में बहुत वास्ट है, कितना भी आप गेन कर सकते हैं, बट ओके, सीख के ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो यही मैसेज दूंगी नए लोगों को। चलिए सही। आशुतोष, आप कुछ कहना चाहेंगे लर्निंग को लेकर? सर हाँ
या प्लीज। लर्निंग तो सबसे आई थिंक मेरा जो पर्सनली जो बेनिफिट हुआ है इसमें, एक तो ये हुआ है कि एक डायरेक्शन मिला है कि हमको इस डायरेक्शन में चलना है। दूसरा सर, एक जो मेरा मतलब पहले से मैं ट्रेडिंग करता था, बट जो डिफरेंस अभी और पहले में है वो ये था कि मैं स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाता था, और नीचे आता रहता था, नीचे आता था, हम सोचते थे वाह ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। अब ये होने लग गया कि स्टॉप लॉस लगाते हैं, भले ही स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाए, अब फिर हम उसको पलट के दोबारा नहीं देखते, हिट कर गया तो हिट वाह कर गया। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सिर्फ हमको लगता है वो वापस आएगा, लेकिन ये भी होता है कि वो नीचे नीचे जाता ही रहता है और वो दोबारा कभी आता नहीं है। तो एक डिसिप्लिन है, एक डायरेक्शन है सर। राइट राइट, चलिए और आई वुड से थैंक कि नए लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक आप डिसिप्लिन वे में करोगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि लोगों को एक बड़ा बहुत बड़ा हाइप लगता है कि आप नहीं कर सकते। तो हमको यू। मार्केट को बीट नहीं करना है, बट आप उस इस एटमोसफेयर में भी, भले ही एटमोसफेयर कैसा भी हो, बहुत ही डिप्रेसिंग एटमोसफेयर हो, बेयर मार्केट हो, इसमें भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो आप डिसिप्लिन वैसा करोगे तो डेफिनेटली पैसा कमा सकते हैं। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक्स अलॉट। चलिए हम लोग आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। या गुड, अब बाकी लोगों को हम ऑन द वे अभी ज्वाइन करेंगे। या आज का जो हमारा अभी क्लब बाकी जो थीम रखा हुआ है, स्ट्रेटेजी है, 10x स्ट्रेटेजी करेंगे, मार्केट क्विज भी है, मार्केट आउटलुक भी है, वो वर्कआउट कर देख पाएंगे हम लोग। 10x रिटर्न स्ट्रेटेजी किस किस को चाहिए ये?